स्वामी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। आखिर कब तक सहमी हुई रहेगी जनता? आखिर कब तक प्रशासन के झूठे दिलासों पर भरोसा करती रहेगी जनता? क्या सरकार की नींद नहीं खुलती या सरकार नहीं देख रही है? नमस्कार, मैं हूं निधिया और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बताया जा रहा है कि फिर से मवेशी व्यापारी से करीब 3 lakh की लूट कर ली गई है। अपराधियों ने उसे गोली भी मार दी है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और बेखौफ भी हो चुके हैं। यही कारण है कि आए दिन वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आपको बताते चले कि पूर्णिया के रोटा थाना क्षेत्र के ग्वालवाड़ी का बताया जा रहा है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने मवेशी व्यापारी को आज निशाना बनाया। इस दौरान अपराधियों ने 2,67,000 रुपए भी लूट कर लिए और मौके से फरार हो गए। घायल मवेशी व्यापारी की पहचान डहुआरी निवासी फारूक के रूप में की गई है, जिन्हें इलाज के लिए रोटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति बिगड़ता हुआ दिखा। चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया है। मार्च में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरूरी काम। बैंक से जुड़े काम अगर हैं आपको तो थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि मार्च में बिहार के सभी बैंक कुल 11 दिन बंद रहने वाले हैं। दरअसल लॉक इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि 15 और 16 मार्च को 2 दिनों के लिए बैंकों की हड़ताल रहेगी। इसके साथ ही महीने की 7 तारीख, 14, 21 और 28 तारीख को जहाँ साप्ताहिक बंदी है, वहीं 22 मार्च बिहार दिवस और 29 मार्च और 30 मार्च को होली का अवकाश बताया गया है। साथ ही 13 और 27 मार्च को दूसरे और चौथे शनिवार की बैंक की छुट्टी होती है। शराब माफिया स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे, स्कूली बच्चों से करा रहे हैं शराब की तस्करी। झूला में भरकर डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल शराब तस्करी में धंधे में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना सामने आई है, बड़े बड़े कार्टून से झोले में भरकर शराब की डिलीवरी देने जा रहे बच्चे कैमरे में पकड़े गए। इस घटना का वीडियो सामने आया तो काफी हैरान हो गए सब। कई नवजात की चोरी के बाद पकड़ में आए फर्जी आशा कर्मी, बच्चा गायब करने की नियत से पहुंची थी अस्पताल। कई नवजात बच्चों की चोरी के कारण बदनाम हो चुके सदर अस्पताल में शुक्रवार को एक बार फिर से बच्चा चोरी करने की तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड की सावधानी से यह कोशिश नाकाम हो गई। मामले में खुद को आशा कर्मी बताने वाली एक महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे वार्ड में संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया। बिहार में शराब के कारण हो रहा है नक्सलवाद का जन्म, इस बार विचार नहीं पैसे कमाना है मुख्य मकसद। बिहार में शराबबंदी को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, विशेष रूप से हलिया घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सब के विपरीत बिहार सरकार के मंत्री रहे अजीत कुमार शराबबंदी को नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, आज शराब के कारण एक अलग प्रकार का नक्सलवाद बिहार में पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ईमानदारी से शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिन्हें जिम्मेदारी दी है वह बेईमान है। पहले लोग छिपकर शराब बेच रहे थे, अब खुलकर बेच रहे हैं। नीतीश सरकार का बड़ा खुलासा, किशनगंज में जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे जिलों से अधिक। बिहार के किशनगंज में जनसंख्या विस्फोट की बात सामने आई है।
सरकार की विधानसभा में यह बात स्वीकार किया गया है कि किशनगंज में 30% से दशकीय दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1% रही है। वहीं किशनगंज की दशकीय वृद्धि दर 30.4% रही है। बिहार में कोरोना एंटीजन किट गायब। जमुई में अब 4000 कोरोना जांच किट गायब। टेक्नीशियन पर केस। कोविड 19 की जांच के लिए चकाई रेफरल अस्पताल के नाम पर रिसीव किए गए 4000 एंटीजन किट गायब हो गए हैं। यह मामला सामने आने के बाद अब किट गायब करने वाले लैब टेक्नीशियन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपासना गोलीकांड की जांच करने मोकामा पहुंचे ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा। कहा, बदमाश जल्द होंगे सलाखों के पीछे। गुरुवार को मोकामा में चलती ट्रेन में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में कोलकाता ले जा रहे साइबर अपराधी कुणाल शर्मा पर हमला करने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर पटना ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा ने आज गहन जांच की और हर हाल में अपराधी को दबोचने का आदेश दिया। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आयुष चिकित्सकों का फूटा गुस्सा। अस्पताल में किया तालाबंदी। कोविड काल में आयुष डॉक्टरों की सेवा सरकार द्वारा लिया गया। कोरोना के संक्रमण से देशवासियों को बचाने में अहम भूमिका आयुष डॉक्टरों ने भी कदम से कदम मिलाकर निभाया। इसके बावजूद आयुष डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि निर्गत नहीं किया गया है। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।